नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री नाम की दुनिया को लेकर के सर्वे होते रहते हैं, चाहे वह बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, इसके अलावा साउथ हो, भोजपुरी, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, यानी कि अलग अलग फील्ड में सर्वे होता रहता है। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो कि इस प्रकार की सर्वे करती हैं, जैसे कि टीवी शोज को लेकर के और फिल्मों को लेकर के, ओटीटी पे जो फिल्में रिलीज होती हैं उसको लेकर के और स्टार्स के स्टारडम के लेवल को लेकर के, यानी कि अलग अलग फील्ड में, हर एक फील्ड में सर्वे होता रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ सिनेमा के जो तेलुगु स्टार हैं, यानी कि रिसेंटली किस स्टार को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया हर एक मामले में, तो जिसको लेकर के हम बात करने वाले हैं, जिसका खुलासा हो चुका है, यानी कि टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट जारी हो चुकी है ऑरमैक्स मीडिया की तरफ से, यानी कि ऑरमैक्स मीडिया का जो सर्वे है तेलुगु सुपरस्टार्स को लेकर के उसकी लिस्ट आ चुकी है। तो चलिए फटाफट बात करते हैं और जानते हैं कि कौन सा स्टार इस लिस्ट में है और कौन सा स्टार किस नंबर पर ट्रेंड करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यानी कि हैंडसम स्टार रामचरण का। दोस्तों, रामचरण की भी रिसेंटली जो फिल्म रिलीज की गई थी जिसका नाम था RRR, जो कि एक धमाकेदार फिल्म है, यानी कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। अब ऐसे में दोस्तों, रामचरण इस लिस्ट में, यानी कि ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 10 लिस्ट में पांचवें नंबर पर ट्रेंड करते हैं। अगला नाम आता है साउथ सिनेमा के सुपरस्टार आइकॉनिक स्टाइलिश स्टार यानी कि अल्लू अर्जुन का। दोस्तों, अल्लू अर्जुन को साउथ का स्टाइलिश स्टार कहा जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे ना, जो इनकी फिल्में आती हैं, हर फिल्मों में अलग अलग लुक में हमें देखने को मिलते हैं। इनका जो हेयर स्टाइल है काफी कमाल का है, और इसके अलावा जो इनकी फिल्में आती है ना, बहुत ही कमाल की कॉम्बिनेशन पर आती है, बहुत ही शानदार फिल्मों का कॉन्सेप्ट होता है। तो ओवरऑल बात करें तो साउथ का स्टाइलिश स्टार इनको कहा जाता है। अब ऐसे में अल्लू अर्जुन आज के वक्त में इस लिस्ट में चौथे नंबर पर ट्रेंड करते हैं। इसके बाद फिर से नाम आता है साउथ सिनेमा के सुपरस्टार एक्शन स्टार जिनको कहा जाता है, यानी कि हम लोग जो फिल्में देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्शन पैक फिल्में देखते हैं, जिनका नाम है जूनियर NTR। दोस्तों, जूनियर NTR एक कमाल के मल्टी टैलेंटेड एक्टर है। इनकी जो फिल्म अभी आई थी RRR, जैसा कि मैंने बात किया RRR फिल्म के बारे में, तो उसमें नजर आए थे। तो ओवरऑल बात करें तो जूनियर NTR के हम लोगों ने एक से बढ़कर एक धमाकेदार फुल एक्शन पैक फिल्मों को देखा, जो कि काफी कमाल की बेस पर बनी है। अब ऐसे में दोस्तों, इस लिस्ट में जूनियर NTR तीसरे नंबर पर ट्रेंड करते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। अगला नाम आता है साउथ सिनेमा के मास महाराजा यानी कि रवि तेजा का। रवि तेजा को साउथ का मास महाराजा कहा जाता है। जैसा कि रवि तेजा की हम लोगों ने साउथ में करीबन एक से बढ़कर कई शानदार एक्शन पैक फिल्म को देखा है, जो कि एक कमाल के एक्टर हैं। अब ऐसे में दोस्तों, इस लिस्ट में रवि तेजा 10वें नंबर पर ट्रेंड करते हैं। दोस्तों, अगला नाम आता है साउथ सिनेमा के मेगा स्टार यानी कि चिरंजीवी सर का। चिरंजीवी सर जो कि साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की फिल्मों में धमाल मचा चुके हैं, यानी कि करीबन 250 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं चिरंजीवी सर। ओवरऑल बात करें तो चिरंजीवी सर एक कमाल के मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं। इनकी फिल्में हम देखेंगे तो काफी कमाल की बेस पर बनी है, और अपने दमदार डांसिंग लुक को लेकर के काफी चर्चाओं में बने रहते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में चिरंजीवी सर 9वें नंबर पर ट्रेंड करते हैं। इसके बाद दोस्तों, फिर से नाम आता है साउथ सिनेमा के युवा स्टार विजय देवरकोंडा का। हालांकि दोस्तों, विजय देवरकोंडा के हम लोगों ने ज्यादातर लव स्टोरी फिल्म को देखा है, जिनकी जो स्टाइल है, जिन पर लव स्टोरी फिल्में काफी ज्यादा सूट करती हैं। अगर लव स्टोरी फिल्म अर्जुन रेड्डी के बारे में बात की जाए, इसके बाद और भी कई फिल्में हैं जो कि काफी कमाल के बेस पर बनी है। अब दोस्तों, जिसका हिंदी रिमेक, यानी कि अर्जुन रेड्डी का हिंदी रिमेक कबीर सिंह के नाम से बॉलीवुड में भी बनाया गया था, जो कि अपार सफलता फिल्म ने हासिल की। अब ऐसे में दोस्तों, कुल मिला के बात करें तो विजय देवरकोंडा आज इस लिस्ट में 8वें नंबर पर ट्रेंड करते हैं। इसके बाद दोस्तों, फिर से नाम आता है साउथ सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी का। दोस्तों, नानी को नेचुरल स्टार कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक्टिंग जो होती है ना, बहुत सटीक होती है, काफी कमाल की होती है। कि नानी अपने नेचुरल लुक को लेकर के काफी सुर्खियों में बने रहते हैं, यानी कि साउथ सिनेमा में इनकी कमाल की फिल्में हैं। इनकी हाल फिलहाल में जो फिल्म आई थी जिसका नाम था अभी श्याम सिंगर रॉय, जो कि काफी कमाल की फिल्म है साई पल्लवी के साथ। ऐसे में दोस्तों, आज की इस लिस्ट में नानी सर 7वें नंबर पर ट्रेंड करते हैं। इसके बाद दोस्तों, फिर से नाम आता है साउथ सिनेमा के पावर स्टार यानी कि पवन कल्याण का। पवन कल्याण सर को साउथ का पावर स्टार कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों, पवन कल्याण सर एक कमाल के एक्टर हैं। हम लोगों ने एक से बढ़कर एक धमाकेदार एक्शन पैक फिल्म को देखा है, इसके अलावा लव स्टोरी यानी कि फिल्मों को भी देखा है, यानी कि तरह तरह की फिल्मों में काम कर चुके हैं, जो कि आज इस लिस्ट में पवन कल्याण सर 6वें नंबर पर ट्रेंड करते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद बात करने वाले हैं
साउथ के दो सुपरस्टार के बारे में जो कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पर ट्रेंड करता है। तो दोस्तों दूसरे नंबर वाले स्टार्स के बारे में बात करें तो जिनको साउथ का प्रिंस कहा जाता है यानी कि महेश बाबू का। महेश बाबू साउथ के एक हैंडसम स्टार है, अपने हैंडसम लुक को लेकर के काफी सुर्खियों में बने रहते हैं, इनकी कमाल की फैन फॉलोइंग है। फिल्मों के बारे में तो बात करें तो इनकी फिल्में तो ऑलरेडी काफी धूम मचाती हैं सिर्फ इनके नाम पर ही। तो ओवरऑल बात करें तो महेश बाबू इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ट्रेंड करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद सबसे लास्ट में बात करते हैं उस स्टार के बारे में जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर ट्रेंड करता है, तो जिनका नाम है साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यंग रेवल स्टार पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास। दोस्तों प्रभास के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है, जिनको पैन इंडिया सुपरस्टार कहा जाता है, जो इस लिस्ट में आज पहले नंबर पर ट्रेंड करते हैं। दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, आपका फेवरेट स्टार कौन है, क्या आपके फेवरेट स्टार का नाम इस वीडियो की लिस्ट में है? अगर है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।